बिजनेस में अब तक हमने क्या देखा, फीचर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन होता है क्या है, बिजनेस को हमने देख लिया क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है। देखो प्रोफेशन भी एक टाइप का बिजनेस होता है, लेकिन वो बिजनेस, ये प्रोफेशन ऐसा बिजनेस है जिसको हर कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके लिए कुछ स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए, तब वो प्रोफेशन आप ओपन कर सकते हो। जैसे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, सीएस हैं, लॉयर्स हैं, ये सारे क्या है, जितने भी हैं ये सारे क्या है, प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन में क्या होता है, अब जैसे हमें कोई क्या ऐसे ही सी का ऑफिस खोल के बैठ जाएगा, नहीं, उसके पास प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। एक एसोसिएशन है, जिस एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि ये एग्जाम होंगे, वो एग्जाम देने के बाद प्रॉपर एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक है, 3 इयर्स की ट्रेनिंग उसमें होती है। वो ट्रेनिंग कम्पलीशन के बाद वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो एक एसोसिएशन है, जिसमें सब लोग जो है सीएस मेंबर्स हैं, उनके बोर्ड मेंबर्स हैं। तो वो क्या करते हैं, मार्कशीट देते हैं, डिग्री देते हैं, उसके बाद वो पर्सन जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से डॉक्टर्स जो है वो पूरा एक प्रोसीजर है जो मेडिकल काउंसिल से बनाया हुआ है, जो एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन है, वो एग्जाम देती है, ट्रेनिंग उनकी होती है, उसके बाद वो अपना क्लिनिक बना सकते हैं। तो ऐसे हर प्रोफेशनल जो होता है वो स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। तो किसी ना किसी काम में स्पेशलाइजेशन, जब हमारा और जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को, ठीक है। सीएस भी अपनी सर्विस देते हैं, डॉक्टर्स भी अपनी सर्विस देते हैं, एडवोकेट्स भी अपनी सर्विस देते हैं, तो सारे प्रोफेशनल्स सर्विसेज देते हैं, लेकिन वो उन सर्विसेज में स्पेशलाइज होते हैं, ठीक है। तो प्रोफेशन के क्या फीचर होते हैं, तो फर्स्ट फीचर जो है प्रोफेशन का वो क्या है, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। कि प्रोफेशन के लिए एक स्पेशल स्किल, एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, ठीक है, हर कोई प्रोफेशन में एंटर नहीं हो सकता। और दूसरा क्या फीचर है प्रोफेशन के लिए, फॉर्मलाइज्ड ट्रेनिंग, ठीक है, कि एक पूरा फॉर्मल होता है, जो पूरा एक प्रोसीजर बना हुआ है कि ये स्टेप आपको पूरा करने पड़ेंगे, तब आप प्रोफेशनल कहलाओगे। तो प्रोफेशन के लिए एक फॉर्मलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस जो होती है वो डिसाइड करती हैं। तो वो ट्रेनिंग, वो एग्जामिनेशन, आपको पूरा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन हम इसमें डाल सकते हैं, फॉर्मलाइज्ड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो एजुकेशन कैसे कैसे होंगी, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे, कब कब क्या क्या एग्जाम्स होंगे, उसके बाद ट्रेनिंग कैसे होनी है, किसके अंडर होनी है, वो सब एक फॉर्मलाइज मैनर में फॉर्मल होता है, प्रॉपर जो एसोसिएशन डिसाइड करती है, ठीक है, वो इसमें होता है। उसके बाद थर्ड इसमें क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, अभी मैंने बोला, क्योंकि प्रोफेशनल्स देखो क्या करते हैं, पब्लिक को सर्विसेज दे रहे हैं, और अगर ये सर्विसेज गलत तरीके से दें तो ये प्रोफेशन जो है इसकी जो रेपुटेशन है वो खराब हो सकती है। जैसे अगर हम एक डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर का प्रोफेशन क्या है, पब्लिक को अपनी सर्विस देना है ना, और वो डॉक्टर ये सोचने लगे कि मैंने इतना पैसा खर्च किया, इतनी मेहनत की, अब तो मैं एक बार में सारे पैसे अर्न करूंगा, आप गए डॉक्टर के पास, मेरे पेट में पेन हो रहा है, ठीक है, स्टमक पेन है, और डॉक्टर ने बोला ये तो अपेंडिक्स का पेन है, फटाफट ऑपरेशन किया और क्या किया, किडनी निकाली और एक सूरी कर दी, तुम्हें पता नहीं चला। तो ऐसे अगर डॉक्टर करने लगे तो कौन डॉक्टर के पास जाएगा, है ना, तो इमेज खराब होती है प्रोफेशन की। तो ऐसा ना हो, ठीक है, तो इसके लिए कुछ एसोसिएशंस बनी हुई हैं, जिसमें जो सीनियर मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ रूल्स बनाते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो कोई भी इसका मेंबर होगा, मतलब जिसको भी वो डिग्री देंगे उसे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे सीएस के लिए क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स के लिए क्या है, बार काउंसिल ऑफ मेडिकल, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन। तो इस तरीके से प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है हर प्रोफेशन में, और ये प्रोफेशनल एसोसिएशन पूरे प्रोफेशन को कंट्रोल करती है कि कौन कौन प्रोफेशनल हो सकता है, ये डिसाइड करती है कैसे ट्रेनिंग होगी, कैसे एजुकेशन होगी, ठीक है, ये सारी चीजें ये प्रोफेशनल एसोसिएशन डिसाइड करती है। अच्छा,
नेक्स्ट फीचर क्या होता है इसमें, कोड ऑफ कंडक्ट। अभी मैंने बताया कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ये प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाती है प्रोफेशन की रेपुटेशन के लिए, उसकी इंटीग्रिटी के लिए, उसकी ऑनेस्टी के लिए, कि जो प्रोफेशनल है ऑनेस्टी के साथ जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें, ठीक है। जो स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं हर प्रोफेशनल को, अगर पता चल जाता है कि किसी डॉक्टर ने ऐसा काम किया है तो उससे उसकी डिग्री वापस ले ली जाती है, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे सीए का पता चल जाए कि उसने कुछ ऐसा काम किया जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट है तो उसे भी सस्पेंड कर दिया जाता है, उससे उसकी डिग्री वापस ले ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या फीचर होता है प्रोफेशन में, सर्विस मोटिव। हर प्रोफेशन का जो मोटिव, ठीक है, वो आर्मी के लिए काम कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन उनका फर्स्ट मोटिव जो है ना वो सर्विस मोटिव होता है, ठीक है। अर्निंग्स को उन्हें साइड में रखना होगा अगर कभी इस तरीके की सिचुएशंस आ जाए, ठीक है, तो उन्हें अर्निंग की तरफ ध्यान नहीं देना है, वो जो काम कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में मोटिव क्या था, प्रॉफिट, लेकिन प्रोफेशन में मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव से वो लोग काम करते हैं, पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं। तो ये फाइव फीचर्स किसके हैं, प्रोफेशन के हैं। कौन कौन से फीचर्स हुए, स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, बॉडी ऑफ नॉलेज स्पेशल चाहिए उसमें, और फॉर्मलाइज ट्रेनिंग एंड एजुकेशन होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, जो प्रोफेशनल एसोसिएशन क्या बनाती है, कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, ठीक है। और इस प्रोफेशन का मीनिंग, प्रोफेशन का मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोफेशन के फीचर्स हैं। अच्छा, थर्ड क्या हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी थी, थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी थी हमारी एम्प्लॉयमेंट। तो अब एम्प्लॉयमेंट के भी फीचर्स देख लें, इनके हमने सिर्फ फीचर्स देखे हैं प्रोफेशन के और किसके, एम्प्लॉयमेंट के, बाकी आगे जो हमने स्टडी करना है वो सब कुछ बिजनेस के बारे में स्टडी करना है। तो फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या हो गए, एम्प्लॉयमेंट में क्या है, देखो एम्प्लॉयमेंट में एक तो सर्विस की जाती है लेकिन दूसरों के लिए, है ना, तो सर्विस फॉर अदर्स। एम्प्लॉयमेंट में जो भी हम काम करते हैं वो अपने लिए नहीं करते, किसी और के लिए करते हैं और उसके बदले में वो हमें क्या देता है, सैलरी देता है, रेमुनरेशन देता है, तो सर्विस फॉर अदर्स। अच्छा, दूसरा क्या इसका फीचर होता है, पर्सनल सर्विस। अब पर्सनल सर्विस का क्या मतलब, देखो मान लो आपके फादर कहीं जॉब करते हैं और आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है और आज वो मदर को बोले कि आज मेरी जगह तुम ऑफिस से रह जाओ, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो एम्प्लॉयमेंट में जिस पर्सन के साथ एग्रीमेंट हुआ है एम्प्लॉयमेंट का, उसी पर्सन को अपनी सर्विस देनी होती है, ठीक है, पर्सनल सर्विस, उसे खुद सर्विस देनी होती है, वो अपनी सर्विस किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, पर्सनल सर्विस, पर्सनलाइज उसे सर्विस देनी होती है। अच्छा, थर्ड क्या होता है, एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, देखो आपको ये काम करना है, ये रूल्स फॉलो करने हैं, ये आपकी लिमिट्स रहेगी, ये सैलरी रहेगी, सब कुछ रिटर्न में होता है, तो उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय जो है काम करता है, ठीक है, एग्रीमेंट इन्वॉल्व होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, क्या एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल की जरूरत होती है, बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, प्रोफेशन के लिए भी कैपिटल चाहिए, क्या प्रोफेशन के लिए थोड़ी सी कम कैपिटल चाहिए, क्योंकि प्रोफेशन में ऑफिस ही तो बनाना है, हमारा काम सर्विस देना, लेकिन ऑफिस के लिए तो थोड़ी सी कैपिटल चाहिए, बिजनेस के लिए कैपिटल ज्यादा चाहिए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, नो नीड ऑफ कैपिटल। उसके बाद क्या रिस्क होता है एम्प्लॉयमेंट में, जो भी बिजनेस का चल रहा है नहीं चल रहा है इससे एम्प्लॉय को क्या मतलब, उसको सर्विस ही तो कर रहा है ना, तो रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं होता, रिस्क कौन बेयर करता है, एम्प्लॉयर, ऑनर, तो नो रिस्क, रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, और क्या फीचर होता है एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में नेक्स्ट फीचर क्या होगा कि एम्प्लॉयर, देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है, प्राइवेट एम्प्लॉय भी हो सकता है, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का नेचर मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट कैसा भी एम्प्लॉयर हो सकता है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयर ने कहा मतलब एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट हो सकती है, कोई प्राइवेट पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, सर्वेंट, जो
इम्प्लॉय होता है वो हमेशा इम्प्लॉयर का सर्वेंट होता है, ठीक है। मतलब जो इम्प्लॉयर बोलेगा वही इम्प्लॉय को करना होता है, इम्प्लॉय अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सेवन फीचर्स हमारे इम्प्लॉयमेंट में एग्जिस्ट होते हैं। क्या सर्विस और अदर्स होता है, पर्सनल हमें कुछ सर्विसेज देनी होती है, इम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट होता है, कैपिटल की जरूरत नहीं है, रिस्क नहीं है, ठीक है। और इम्प्लॉयर जो है वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट पर्सन भी हो सकता है, और जो इम्प्लॉय है वो हमेशा इम्प्लॉयर का क्या होता है, सर्वेंट होता है। अब देखो तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमने देख ली, उसके फीचर्स देख लिए। अब इन तीनों का डिफरेंस देखो, जब कभी भी आपको डिफरेंस लिखना है ना, तो डिफरेंस लिखने के लिए आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना है, उसी फॉर्मेट में डिफरेंस आप लिखोगे। क्या फॉर्मेट है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेसिस ऑफ डिफरेंस, किस बेस पर हम डिफरेंस कर रहे हैं, उसके बाद जिनका हमें डिफरेंस करना है। तो हमें तीन का डिफरेंस चाहिए, किसका, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो तीन कॉलम हम बनाएंगे, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला बेस हम क्या लें, किस स्टार्ट कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कमेंसमेंट, कमेंसमेंट मीन्स स्टार्टिंग। तो बिजनेस का कमेंसमेंट कैसे होता है, कि बिजनेस अगर हमें शुरू करना है तो कुछ फॉर्मेलिटीज होती है, कि बिजनेस को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, आना टैक्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस की कमेंसमेंट कैसे होगी, आफ्टर कंप्लीटिंग सम लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक है। वो लीगल फॉर्मेलिटीज हम पूरा करें तो बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, प्रोफेशन की क्या होगी, कि प्रोफेशन में अभी बोला प्रोफेशन के लिए जो प्रोफेशनल एसोसिएशन से वो सारी कंडीशंस पूरी हो जाएगी, तब तुम अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, प्रोफेशन का कमेंसमेंट कैसे होगा, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ फॉर्मेलिटीज बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो प्रोफेशनल एसोसिएशन ने फॉर्मेलिटीज डिसाइड की है पूरी करने के बाद प्रोफेशन स्टार्ट होगा। एम्प्लॉयमेंट कब स्टार्ट होगा, आफ्टर द एग्रीमेंट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट होगा। तो ये फर्स्ट फेज पर हमने डिफरेंस किया। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क की अगर हम बात करें, नेचर ऑफ वर्क, तो बिजनेस में क्या किया जाता है, बिजनेस में बाइंग एंड सेलिंग यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन में क्या किया जाता है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है पब्लिक को। एम्प्लॉयमेंट में क्या किया जाता है, सर्विस टू अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस करें तो डिफरेंस किसके बेस पर करेंगे, कैपिटल। बिजनेस में कैपिटल हाई चाहिए होती है, प्रोफेशन में कैपिटल चाहिए बट लेस देन बिजनेस, और एम्प्लॉयमेंट में नो नीड ऑफ कैपिटल, ठीक है। जो जो फीचर्स हमने पढ़े हैं उन्हीं के बेस पर हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे। रिस्क की अगर हम बात करें तो बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है, प्रोफेशन में रिस्क है लेकिन लेस देन बिजनेस है, और एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं है, ठीक है। और अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है, प्रोफेशन के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयर्स रिक्वायरमेंट, जैसे एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे एम्प्लॉयर चाहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, यानी कि लेस क्वालिफिकेशन की इसमें जरूरत है। नेक्स्ट अगर हम डिसाइड करें ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है, मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, प्रोफेशन का सर्विस मोटिव होता है, एम्प्लॉयमेंट का भी सर्विस, लेकिन किसके लिए, सर्विस टू एम्प्लॉयर, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या है, अगर किसी का बिजनेस है तो उसकी डेथ के बाद वो अपना पूरा बिजनेस, अपना इंटरेस्ट अपने बच्चों को किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या प्रोफेशन में ऐसे होता है, ठीक है। अब एक सीए है, अब उसके बेटे ने क्या किया, मेडिकल से स्टडी की और वो डॉक्टर बन गया, तो क्या सीए अपने ऑफिस को अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकता है, नहीं कर सकता, वो डॉक्टर सीए का काम कैसे देखेगा ना। तो प्रोफेशन में इंटरेस्ट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में
पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पर्सनल सर्विस है ना, उसमें जो जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है उसे ही सर्विस देनी है। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस में पॉसिबल है, प्रोफेशन में नहीं है और एम्प्लॉयमेंट में भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी कि कोई बिजनेस एफिशिएंट है, कैसे पता चलेगा? हाई प्रॉफिट से, प्रॉफिट ज्यादा है तो बिजनेस बहुत अच्छा है। प्रोफेशन अच्छा है तो क्या पता चलेगा? क्वालिटी ऑफ सर्विस कि वो किस तरह की, किस क्वालिटी, किस जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट में अगर हम देखें तो क्वालिटी ऑफ सर्विस टू द एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉयर को किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट के बेस पे डिफरेंस करें तो बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है? नहीं होता है। प्रोफेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है? होता है। क्या एम्प्लॉयमेंट में कोड ऑफ कंडक्ट होता है? कोड ऑफ कंडक्ट तो नहीं होता, लेकिन एक एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में और उसी एग्रीमेंट को फॉलो करना होता है। तो इसमें लिखेंगे कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, बट एग्रीमेंट इंक्लूड होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, उसी के अकॉर्डिंग उसे काम करना होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी थी, तीनों के फीचर्स देखे और उन तीनों का डिफरेंस, डिफरेंस आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए, ठीक है। उन नोट्स में वो लिखा होगा, आप अपनी कॉपीज में नोट इन कर लेना। तो यहाँ तक का सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन उसमें है वो सॉल्व करके आप मुझे, ठीक है, डालो।